तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय व्लॉग, आई एम आशीष, यू आर वॉचिंग माय चैनल लाइफ अनस्क्रिप्टेड। तो आज मैं जा रहा हूँ जिम में। तो कैलगरी में एक समर्स आ गई है, तो मैंने आपको अपने ब्लॉग में दिखाया हुआ है कि मेरे आसपास कितनी बर्फ़ होती थी और आप देखो कितनी धूप है। एक बार व्यू देखो, कहीं पर बर्फ़ है ही नहीं, बिल्कुल सब कुछ साफ़ हो चुका है, हर जगह घास ही घास। पहले मुझे लगता था कैलगरी में कि यहाँ पर ना सैंड है ही नहीं, यानी कि मिट्टी है ही नहीं, यहाँ की मिट्टी बर्फ़ ही है, बट ऐसा नहीं है, यहाँ पर मिट्टी है गाइस, यहाँ पर घासें भी उगती है। तो मैं अभी, ये चल रहा है मई का महीना, ये तो सब जगह सेम ही चल रहा है। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है अभी 7 बज गए हैं, यहाँ पर जो रात है वो काफ़ी लेट होती है, यहाँ पर रात होती है अराउंड 9 साढ़े 9 के अराउंड रात होती है यहाँ पर। तो अभी मैं फ्री था, मेरे एग्ज़ाम हो चुके हैं, मेरा परसों एग्ज़ाम था फाइनल सेमेस्टर 1 का, और अभी मेरी 10 दिन की छुट्टियां हैं। तो मैं घर बैठा हुआ था, सोचा जिम चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नई जिम लगवाई है, कमर्शियल जिम, फिट फॉर लेस। तो काफ़ी सस्ती जिम है यहाँ पर, लाइक आपको 2 वीक के $8 देने पड़ते हैं फॉर द नॉर्मल सर्विस, लाइक प्रीमियम। और आपको अगर प्रीमियम अकाउंट चाहिए वहाँ पर, तो उसके लिए आपको शायद $12 पे करने पड़ते हैं पर 2 वीक्स। सो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर जिम कैसी है। तो अभी आप व्यू देखो, आसमान साफ, बिल्कुल क्लियर, लाइक देख रहे हो ये भाई पिक्का। ये तो यहाँ पे बड़े मस्त चीज़ है यार, यहाँ पे पिक के बहुत, लाइक क्या बताऊँ मैं, पिक का टोरा अलग ही होता है। अभी हम यहाँ से बस लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कॉफ़ी वगैरह मिल्क शेक, लाइक यहाँ पे ट्रेंडिंग पे है, जैसे टिम हॉर्टन्स है, टिम हॉर्टन्स की तो मार के रखते हैं यहाँ पे, 24 घंटे टिम हॉर्टन्स यहाँ पे खुला होता है और हमेशा वहाँ पर भीड़ होती है। बट यहाँ पर और भी हैं, जैसे चाय टाइम है, वहाँ पर मिल्क शेक मिलते हैं अलग अलग टाइप्स के। तो हेलो, तो ये गोरा गोरी बट यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो चले देखता, मेरी बस मिस ना हो जाए, बस मेरे को बस पकड़नी है, वरना मेरे को पहले जाना पड़ेगा जिम तक। तो मैं आपको मिलता हूँ जिम के सामने, बाय। और मैंने मेरी बस मिस कर दिया यार, तो मैंने मेरी बस मिस कर दी है, तो मुझे पहले चल के जाना पड़ेगा। कोई नहीं, पहले चलना भी बुरा बात नहीं है, मेरा थोड़ा कार्डियो हो जाएगा जिम जाने तक। तो इतना मैं आपको क्या बात करूँ मैं आप लोगों से, हाँ मेरी जॉब लग गई है, तो मैं काम कर रहा हूँ 7-Eleven में। तो मेरे को अभी वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही है, मेरे 2 दिन हुए वहाँ पे काम करते हुए, तो जॉब मिल गई है, वो भी सिन पर, कैश पर नहीं। और क्या बताऊँ, मेरे सेमेस्टर में अच्छा गया, सब कुछ ठीक जा रहा है। तो अब मेरा 8 मई से सेमेस्टर 2 है, जो कि स्प्रिंग इनटेक, तो वो मेरा शुरू हो जाएगा 8 मई से। देखते हैं कह रहा था सेकेंड सेमेस्टर, लोग यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई मुश्किल नहीं है, मैंने सेमेस्टर 1 अभी दिया था तो मुझे पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं लगी, लाइक मेरे अबव 80% मार्क्स आए हैं सब में, मोस्टली में सब मेरे 80% है। बस हमारा एक नेटवर्किंग का था, वो मैम थोड़ी सी लाइक, तो उसमें मेरे कुछ 74-75% आए हैं। बट यहाँ पर पढ़ाई अच्छी है, लाइक इतनी मुश्किल पढ़ाई नहीं है, लाइक आप अगर डेली के 2 घंटे अगर लगाते हो अपनी पढ़ाई में, तो यू कैन ईजली स्कोर गुड मार्क्स हेयर। और यहाँ पर होता है लाइक 85 से ऊपर आपका A+ है, तो आपकी GPA 3 से ऊपर बनती है, लाइक ओवरऑल 4 GPA होती है, 4 out of GPA आती है। तो उसके बाद अगर 85 से कम है आपके तो B+ तो A आता है शायद, फिर 75 से कम है या फिर 80 से कम है तो आपका B+ ऐसे। मुझे B, C का तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि मेरे से A+ आए हैं। तो यहाँ पर पढ़ाई मुश्किल नहीं है, बट मैंने काफ़ी सुना है बच्चों से कि सेमेस्टर 2 काफ़ी मुश्किल है, तो देखते हैं सेमेस्टर 2 कैसा है। इतना मुश्किल तो होगा नहीं, देख लेंगे कितना ही होगा मुश्किल। प्लस मैं तो पास हो गया सेमेस्टर 1 में, क्योंकि हम सब ने अपने मार्क्स खुद के लाइक कैलकुलेट कर लिए दोस्तों ने, तो सेमेस्टर 2 मैं पास हो गया हूँ, कितना अच्छा। इनको ना रुकना चाहिए, ये रुका नहीं मेरे लिए। यहाँ पर जैसे मैं रोड क्रॉस कर रहा हूँ ना, कोई गाड़ी आएगी तो उसे रुकना पड़ेगा, तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में डीपर मारेंगे, हॉर्न मारेंगे, पार्क करने देंगे नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर
सबसे पहले वॉक पे जो है लाइक पेडेस्ट्रियल उनको प्रेफरेंस दी जाती है, बंदे को गाड़ी रोकनी पड़ेगी। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। यहाँ के ट्रैफिक रूल्स काफ़ी लाइक सॉर्टेड टाइप में है। एक तो यहाँ पे लेफ्ट राइट का बहुत इशू है, मिरर, एक तरह से मिरर इमेज है इंडिया की, उल्टा है सब कुछ। और तो यहाँ पे रूल्स काफ़ी सॉर्टेड है, तो यहाँ पे एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, होते हैं तो काफ़ी लंबे एक्सीडेंट, लाइक अगर एक गाड़ी का हुआ तो दो तीन गाड़ी का साथ में होगा। रूल्स ही ऐसे हैं, या तो होगा ही नहीं एक्सीडेंट। मैं यहाँ पर आया हूँ, मेरे को 4 महीने हो गए, 5 महीने, मैंने अभी तक 5 महीने में सिर्फ 1 या 2 देखे एक्सीडेंट में भी, हाँ 1 या 2 देखे बस मैंने। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पर। और यहाँ पर फुटपाथ है, वो तो इंडिया में भी था बट इंडिया में कोई फॉलो नहीं करता था रूल्स को, बट यहाँ पे लोग फॉलो करते हैं बिकॉज़ यहाँ पे फ़ाइन काफ़ी बड़ा होता है, $1,000-$2,000 का, तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो मैं बस जिम आने वाला हूँ, आइए मैं आपको रोड यहाँ पे दिखाता हूँ रोड कैसे क्रॉस करते हैं लोग यहाँ पे। तो सी, तो मेरे को ये रेड लाइट से क्रॉस करना है वहाँ पर, तो यहाँ पे गाड़ियाँ एक कट है, मुझे यहाँ से जाना है। तो मैं बटन प्रेस कर दूँगा, ये वाला बटन, तो आप वहाँ पर जो सिग्नल होगा, सूरज की वजह से दिख नहीं होगा आपको, बट वो सिग्नल देखो ग्रीन हो गया वाइट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर फिर हमें वॉक करना पड़ता है, और यहाँ पर हर ट्रैफिक लाइट पे कैमरे लगे होते हैं, तो अगर रूल तोड़ दिया तो उनको पता लग जाता है। यस गाइस, तो ये है ट्रेन की लाइन रोड के बीच में, एंड फिर ये वापस आ गया, मैं अपोजिट साइड आ चुका हूँ। तो यहाँ पे देखो ये सिग्नल यहाँ पे आता है, अगर दिख जाए आप लोगों को। तो मैं जिम पहुँचने वाला हूँ, बिल्कुल मेरे सामने जिम है। तो ये देखो गाड़ी रुकेगी मेरे लिए, सी ये तो ठोक देता भाई। तो ये जिम आ गया हूँ फिट फॉर लेस। तो हवा काफ़ी तेज़ चल रही है आज यहाँ पर, तो वी आर हियर फिट फॉर लेस। तो मुझे पहले यहाँ पे एक तार लगाना पड़ेगा अपना, लग तो बस जिम में आ गए हैं। ये लॉकर्स है, तो मैं यहाँ पे अभी कपड़े रखूँगा। तो अभी मैं कैमरा बंद करूँगा क्योंकि मुझे कपड़े चेंज करने हैं। तो मैं अभी वर्कआउट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ और थोड़ा मैं आपको जिम के क्लिप्स दिखाऊंगा बीच में कि जिम कैसी है। तो मिलते हैं वर्कआउट। तो मेरा वर्कआउट हो चुका है, मैं लेग्स की थी आज, कान में सीटियाँ बज रही है, बहुत टाइम बाद लेग्स की है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ जिम क्या है, मतलब जिम कैसा है यहाँ का। तो ये है यहाँ पर टैनिंग रूम, पता नहीं क्या होता है, कुछ तो होता है, मूवीज में देखा मैंने इंग्लिश में, आदमी को लगा देंगे। चेंजिंग रूम ज़्यादा बड़े नहीं है बट ठीक ठाक है, यहाँ पे आपको शीशा मिल जाएगा एक पोजिंग करने के लिए। हो चलो और देखते हैं। फिर ये लॉकर्स हैं, ये जैसे मेरा लॉकर दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये मेरा लॉकर है, मेरा बैग है, पानी की बोतल है, बंद हो गया ठीक है। ये सारी साइकिल वाली मशीन्स हैं, डस्टबिन, सैनिटाइजर, तो ऐसा कुछ खास है नहीं वैसे, नॉर्मल की तरह बस ये कमर्शियल जिम है, अपने इंडिया में जिम ऐसा होता नहीं था। ये सारी यहाँ मशीन्स है, पैक फ्लाई, डेक फ्लाई जो भी कहते हैं उसको, टेस्ट फ्लाई, फिर ये लेग्स। तो जिम तो काफ़ी बड़ा है क्योंकि लोग ज़्यादा आते हैं यहाँ पे लगभग काफ़ी लोग आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मशीन्स आई, डबल ट्रिपल मशीन्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बेंच प्रेस की, लाइक दो मशीनें बेंच प्रेस की है, फिर सेम दो मशीनें, फिर ये बैक की है मशीन, लेग एक्सटेंशन होगी यहाँ पे, ये चार हैं यहाँ पे। सो
तो जिम तो अच्छा ही है, बस यहाँ पर ये है कि लोग यहाँ की कंडीशन मटेरियल्स अच्छे हैं जिम के, वरना जिम तो सेम इंडिया की तरह यहाँ पे। प्लस इंडिया में हम हर महीने की मेंबरशिप लेते हैं, यहाँ पे 2 वीक्स की लेते हैं, बाई वीकली या फिर पूरा ईयर का ले लो, आपकी मर्ज़ी है। बस जिम था ये, अब मैं चेंज करूँगा कपड़े, उसके बाद हम चलते हैं कॉफ़ी पीने के लिए या फिर मिल्क टी पियेंगे, देखते हैं। ओके, और हाँ, मेरा जिम का वर्कआउट कभी किसी और वीडियो में, क्योंकि मैं अभी इतना प्रो लेवल का एथलीट हूँ नहीं, तो मेरे को अपनी बॉडी दिखाने में अभी थोड़ी सी इंट्रोवर्ट फीलिंग आती है। तो अब मैं चलता हूँ, यहाँ पर 8 बज गए हैं, तो यहाँ पे अभी भी धूप है। बाय। तो आई एम रेडी टू गो। तो जिम इज डन, अब जाएंगे मिल्क टी पीने के लिए। तो हमारा गोंगचा है उस साइड, रोड के उस साइड, तो हमको वहाँ जाना पड़ेगा गोंगचा के लिए। तो मुझे पूरा घूम के जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह आप शॉर्टकट नहीं मार सकते हाथ दे के कि हाथ दे दो मुझे जाना है। यहाँ पे पूरा घूम के जाना पड़ता है। अगर मैं बीच में जाऊँगा, मुझे किसी पुलिस वाले देख लें यहाँ पे पीस ऑफिसर ने, तो भाई चलान कट जाएगा बड़े अंधे वाला। तो कोई नहीं, थोड़ा सा घूम लेते हैं, घूमने में क्या जा रहा है। तो आप लोग ठीक हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए सब लोग कि आप लोग ठीक हैं, तो बोलिए हाँ हम ठीक हैं। मत करना ऐसे कह रहा हूँ। तो मैं फटाफट रोड रोड करता हूँ और फिर आपको मतलब उधर गोंगचा में। तो मेरे सामने वहाँ पर गोंगचा है, वो जो ब्लू सा बोर्ड है उसके साइड में गोंगचा है, और ये मेरे बीच में है ये लाल बत्ती और ये रास्ता। मैं आपको मेट्रो दिखाता हूँ यहाँ पे कि ट्रेन कैसे चलती है, लेट्स सी गाइस। तो देखो अभी फाटक बंद हो गया है यहाँ पे, और वो आ रही है ट्रेन सरल टाउन की। तो जल्दी 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 सी गाइस। तो ये है यहाँ की ट्रेन, ट्रांजिट, बस बस कुछ कह लो, ये यहाँ की है ट्रांजिट। तो इसमें सफ़र करो, मस्त मज़े आते हैं। 2 मिनट में कैलगरी के एक कोने से दूसरे कोने पहुँच जाते हैं हम इसमें, क्योंकि ये ट्रेन है, ये बीचों बीच चलती है, और जब ये ऑटोमेटिकली आती है तो लाल बत्ती से हरी हो जाती है। पता नहीं मतलब है कुछ सिस्टम, बट ये काफ़ी तेज़ चलते हैं यहाँ पे। तो लाइक मेरा कॉलेज यहाँ से बहुत दूर है, बट मैं ट्रेन में जाता हूँ तो मेरे को सिर्फ 30 मिनट लगती है, अगर जाम हो तो 40 मिनट लग जाती है एट मैक्स, घर से लेके कॉलेज तक। तो ये ट्रेन यहाँ पर ट्रांजिट काफ़ी सही चीज़ है। कॉफ़ी पीनी थी, भूल जाता हूँ यार, ये लाल है यार, ये हरी नहीं हो रही। मैं यहाँ पे जूम नहीं कर सकता, मैंने आज ही गोप्रो लिया है। ओ हाँ, तो मैंने गोप्रो ले लिया है ब्लॉगिंग के लिए, और मैं ये वीडियो गोप्रो से बना रहा हूँ। आप लोग देखेंगे कि 5K रिकॉर्डिंग हो रही है बिकॉज इट्स गोप्रो। सो लेट्स सी, ये यहाँ की फॉर्च्यूनर गई है, यहाँ पे फॉर्च्यूनर रही है बड़ी सी। हो गई वाइट, हो गई। चलो अब चलते गोंगचा, कॉफ़ी पी के आते हैं। तो हम जाएंगे यहाँ से सीधा, फिर लेंगे राइट, क्योंकि राइट में दुकान। तो मैं पीऊँगा मिल्क टी, क्योंकि यहाँ पे मिल्क टी अच्छी होती है। तो यहाँ पे ड्रिंक्स काफ़ी टाइप्स की, यहाँ पे हर एक चीज़ में, यहाँ पे एक चीज़ में देखी नहीं कि यहाँ पर कनाडा में आपको कुछ भी खाना है, अगर पिज़्ज़ा से लेकर बर्गर, बर्गर से लेकर कॉफ़ी, यू कैन मेक योर ओन कस्टमाइजेशन इन द ड्रिंक। लाइक मुझे गोंगचा में अगर मुझे कोई मिल्क टी पीनी है तो आई कैन जस्ट डू एनीथिंग, लाइक मुझे कुछ भी डलवाना हो मैं उसमें डलवा सकता हूँ। तो हम आ गए गोंगचा। हाँ यही है। तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है, वेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर देंगे हम अपना, उसके बाद घर चलेंगे मस्त। यू हैव गिवन द ऑर्डर? नो, देन ओके। हाय, हाउ आर यू? I'm good. So, can you make one hazelnut milk tea? Caramel milk tea. Sorry? Make one caramel milk tea. Caramel? Yeah. Yeah. Medium size. Medium size. And would you like any topping?
भाई ये थैंक यू। तो भाई ये एप्पल ने ना बिगाड़ रखा है बिल्कुल। एप्पल में वॉलेट में ऐड कर लो, डबल टैप करो, पे कर दो। बड़ा खर्चा होता है एप्पल पे से यहाँ पे, बट यहाँ पे हर चीज़ एप्पल पे ही चलती है क्योंकि यहाँ पर एप्पल ज़्यादा कन्वीनियंट है। आपके सारे जो कार्ड्स वगैरह वो एप्पल पे में आ जाते हैं, तो आपको अपना पर्स ले मेरी यूट्यूब बाय। सो कॉफ़ी आ गई है, पीते हैं मस्त। तो कॉफ़ी इज़ रेडी, तो हम अब मैं कैसे पीऊँ कॉफ़ी वीडियो बनाते हुए, एक सेकेंड। तो यहाँ पर जैसे मैंने एक मिल्क पी लिया कैरमिल वाली, तो इसमें उन्होंने एडिंग्स कुछ ये कुछ जेली टाइप में है तो ये डाल दिए, अच्छी लगती है। तो ऐसे आप यहाँ पे अपनी ड्रिंक्स को कस्टमाइज़ करा सकते हैं, अच्छी है सच्ची में, अच्छी है। तो बस आज का दिन यही था मेरा, अभी घर जाना है, बैठ के मस्त आईने में देखूँगा मैं, उसके बाद सो जाऊँगा, फिर सुबह उठूँगा, जॉब पर जाऊँगा, डॉलर कमाएँगे डॉलर, उसके बाद फिर वही रेगुलर शेड्यूल, घर आना है, जिम जाना है, खाना बनाना है, सो जाना है, एनिमे देखना है, क्योंकि 10 दिन मैं आजाद हूँ। उसके बाद मेरा सेमेस्टर 2 है एंड मैं फिर से कॉलेज के कामों में लाइक आगे पीछे कॉलेज के काम रहेंगे मेरे हर जगह, तो फिर मैं इंजॉय नहीं कर पाऊँगा। तो आज का ब्लॉग यही था कि मैं क्या कर रहा हूँ, सेमेस्टर ख़त्म हो गया मेरा एंड बस यही था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, जिम अच्छी लगी हो, ये मिट्टी दिखने में अच्छी लग रही हो और मैं दिखने में अगर अच्छा लग रहा हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो और बताओ कि मैं सेक्सी लग रहा हूँ। तो बाय, ध्यान रखिए अपना सारे के सारे, खुश रहो, ठीक है, राम राम, बाय, टाटा।